नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सीतापुर वाइज। सीतापुर के थाना कमलापुर के ग्राम पंचायत रेवरी का एक मामला सामने आया है, जहां कुछ संगठनों के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में एक गौशाला के डॉक्टर को आक्रोशित होकर पीट देने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामला ग्राम पंचायत रेवरी के एक गौशाले का है। घटना की जानकारी पाकर एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए हैं। सीओ राजीव कुमार राव ने जानकारी दी है कि उपरोक्त प्रकरण में तहरीर प्राप्त हो गई है तथा प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है, साथ ही पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया जांच में यह बात सामने आई है कि इलाके के कुछ प्रतिबंधित जानवरों के अवशेष मिलने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है तथा माहौल खराब करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। थाना कमलापुर में है, उसमें दो आश्रय स्थल है। उसमें सूचना मिला कि गाय मरी है और वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा उनको उनके चने निकाले जा रहे, काटे जा रहे। सूचना पर स्थानीय लोग भी पहुँचे, पुलिस भी पहुँची, डॉक्टर भी डॉक्टर साहब भी पहुँचे और हम भी पहुँच के वहाँ देखे। तो गाय थी, कल रात को मरी थी, किन्हीं कारणों से डॉक्टर साहब ने क्लेम भी किया, बताया बीमारी कारण मरी। और गाय चूँकि मृत अवस्था में वहाँ पड़ी थी और वहाँ के स्थानीय लोग थे, कुछ लोग उनके चमड़े वगैरह को निकाल रहे थे, जो कि अनुचित था। वहाँ पर स्थानीय लोगों ने उस चीज़ का विरोध भी किया और इस बात पे अन्य संगठन के लोग भी आए, इस चीज़ को हम लोगों ने इस बात पर जांच किया। इसके आगे हम रिपोर्टिंग करेंगे। इसमें तहरीर भी प्राप्त हो चुका है, प्रथम दृष्टया जो उसके देख रेख करने वाले प्रधान हैं उनके नेग्लिजेंस सामने आ रहा है। इस संबंध में हम लोग डीएम साहब को भी पत्र भेजकर कार्रवाई की अवगत कराएंगे और विधि कार्रवाई की अनुमति। सर, स्थानीय लोगों का आरोप ऐसा भी है कि पुलिस पहुंची उसके बाद तक आरोपी वहां पर रहे, उसके बाद में पुलिस पहुंचने के बाद में आरोपी फरार हो गए। देखिए, अब ये पूरा मसला जांच का है, चूँकि संवेदनशील मामला हम लोग इस पर खुद स्वयं पहुँच कर एसडीएम साहब के साथ पहुँच कर हमने जाँच किया। इसके आगे रिपोर्टिंग हमारी बाकी है, लेकिन हम लोग इसका जितना भी कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई चाहेंगे। धन्यवाद।